गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाओ जल्दी से, आपका एक और क्लास शुरू हो चुका है। बस वही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइनें पुरानी हैं लेकिन क्लास नई है। नया जोश, नए जज्बात के साथ आपकी एक नई क्लास, डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर। आपका अगर क्लास का नंबर देखेंगे तो ये नौवां भाग होगा, जिसमें अध्याय चौथा होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 4। दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल की हम लोग अवधारणा देखेंगे। अवधारणा ना जानते होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जानते होंगे, क्योंकि हमारा देश तो हिंदी प्रधान है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसी बातें हैं जो आप इंग्लिश में ही सिर्फ जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट बोलो तो हर कोई जानेगा, लेकिन अवधारणा बोलोगे तो ना जानेगा। तो अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। तथा दशमलव संख्या का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्रिंट वैल्यू वगैरह, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा गणितीय संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाओं में हम लोग देखेंगे दशमलव के जोड़ घटाना, गुणा और भाग। जैसे कि आपको अगर कह दिया जाए 3.52 इसको जोड़िए 0.001 में, तो काफ़ी सांसें तेज हो जाती हैं, है ना। और अगला देखना, ये तो हो गया जोड़ने वाला। आपको ऐसे ये भी मिल सकता है, इसको भाग करना है किससे, 32.7 से। कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल भरा सवाल होता है ना ये, लगता है आपको होता नहीं है, जितना आप सोचते हैं ना उतना कठिन ये है नहीं। चलिए जल्दी इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। अब देखिए दशमलव होता क्या है, पहले ये देख लीजिए दशमलव होता क्या है। देखिए होता क्या है दशमलव, किसी संख्या में इकाई के बाद जब दशमा, यानी कि दहाई मतलब 1/10, सौवा मतलब सैकड़ा यानी कि 1/100 के स्थानों पर कोई अंक लिखना हो, तो इकाई और दसवां अंकों के बीच में एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहा जाता है। कैसे, जैसे देखिए ये उदाहरण है, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। तो यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है वो इसका और इसका हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, दसवां भाग है, ये सौवां है। तो कह रहा है इसके बीच में कोई जो बिंदु लगा देते हैं वही क्या कहलाती है, दशमलव कहलाती है। जैसे ये भी क्या है, दशमलव है, अगर आप इसको यहाँ लगाओगे तब भी 1.0 है, ठीक, अगर इसको यहाँ लगाओगे तब भी क्या 1.0 है। याद रहे किसी भी संख्या में दो जगह दशमलव नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है ये कि यहाँ भी लगा दो, वहाँ भी लगा दो, या यहाँ भी लगा दो, हर एक बीच बीच में दशमलव लगा दो, ये टिक्का लगाना गलत हो जाएगा। कोई भी संख्या में सिर्फ एक जगह दशमलव हो सकता है, एक से अधिक जगह दशमलव नहीं हो सकता है। और हाँ, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया, इकाई के बाद जब कोई दशमलव लगाया जाता, मतलब बिंदी लगाई जाती है, इकाई मतलब इस अंक के इधर ही रहना चाहिए तभी दशमलव मानेंगे, अगर इधर लगा दोगे तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो दशमलव नहीं माना जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर लगा कि 0.0 लगा दोगे तो ये दशमलव नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव का कोई मतलब है ही नहीं, ये नंबर जो था वो उतना ही रहेगा, इसको मिटाओ या रखो कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ से नहीं मिटा सकते हो आप दशमलव को, यहाँ से नहीं मिटा सकते हो, ये ब्रह्मा की लीख जिसे बोलते हैं, कहते हैं ना ब्रह्मा ने लिख दिया, तो उस तरह से है, इसे आप बिना किसी रूल रेगुलेशन के नहीं मिटा सकते। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप ऊपर पढ़ सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा है टॉप पे, ये क्लास आपकी 3 दिन मिलती है। यम देखो लिखा है, TU लिखा है, WE लिखा है, मतलब मंडे और ट्यूजडे वेडनेसडे सुबह 6:30 से, तो याद रहे। और हाँ, अगर क्लास देखना है पूरा कंप्लीट करना है तो ज्वाइन करना ना भूलें, अन्यथा आपका कोर्स ना पूरा होगा, ठीक ना। तो कोर्स पूरा करें घर बैठे और समझाने की गारंटी होगी, ना समझ में आए व्हाट्सएप पर भेजिए। देखिए साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय मान। अब दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे करते हैं, जैसा कि सिंपल संख्याओं का स्थानीय मान आप लोग जानते होंगे, अगर हमने लिखा 2975, इसमें मैं बोलूं कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से झट से बता लोगे कि 900 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 9 लिख के हम गुणा का चिन्ह लगा के 1 लिखते हैं, ये सभी में करेंगे, उस नंबर को लिखेंगे फिर गुणा का चिन्ह लगा के 1 लिखेंगे, ये सब में करेंगे। उस नंबर के बाद देखो 2 अंक है, तो जितना अंक रहेगा उतना 0 बढ़ा के गुणा कर लेंगे, इस तरह से ये 900 हो गया, है ना, ये सिंपल वाला तरीका है। अगर 2 का बोलें तो क्या होगा, 2×1, इधर देखो 3 अंक है, तो 3×0 करोगे, इस तरह से आपका 2000 होगा, है ना। अगर यहाँ पर 7 का बोलेंगे तो 70 हो जाएगा, 5 का बोलेंगे तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये तो आप जानते हो, लेकिन अगर इसी में एक मुसीबत आ जाए दशमलव, तो फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना।
पूरा देखना, समझाने की गारंटी होगी, लेकिन क्लास छोड़ के मत जाना। जी बिल्कुल, पूरा टाइम बने रहना क्लास में, छोड़ के ना जाना तुम आधे हजार करके, और समझाने की गारंटी हमारी होगी। देखिए आगे आगे क्या बताने वाले हैं। 2975 लिखा था ना, ये तो सिंपल सा था, भोला भाला ना। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे दशमलव लगा दिए छः, ठीक, आप देखिए इसमें अगर आपको स्थानीय मान बोला जाए दो का, तब क्या होगा? दशमलव लगा दिया तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर इसमें हम दो का स्थानीय मान बोलेंगे, ऐसे लिखते जाओ सब समझ में आएगा, संख्या दो का स्थानीय मान इक्वल क्या हो जाएगा? दो। और एक बात ध्यान देना, जरा गौर से समझना, जो संख्या पर जहाँ पर दशमलव लगा है ना वो अलग है, और जहाँ नहीं लगा उसका सब सिस्टम होगा अलग। तो ये इतना ही संख्या आप लेना बस, दशमलव की जो पहले है उससे कोई मतलब नहीं है। तो दो का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, दो के बाद कितने अंक हैं? जो पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक हैं, वो कौन से हैं? 975, तीन अंक है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद ये ऐसे गुणा करोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2000। यहाँ पर आप फिर से लिखोगे संख्या 9 का स्थानीय मान इक्वल क्या हो जाएगा? 9 गुणा 1 के बाद एक दो अंक है, दशमलव के पहले वाला लेंगे बाद से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 900। फिर आप लिखोगे संख्या 7 का स्थानीय मान 7 गुणा, देखो 7 के बाद एक का अंक बच रहा है दशमलव के पहले, बाद वाले से मतलब नहीं, तो 10। इस तरह से 70। 5 का बोलेंगे, आप यहाँ 5 का निकालोगे, 5 के बाद कुछ नहीं है तो एक ही रहेगा। ये देखो भाई दशमलव के पहले सारा कंप्लीट हो गया सिस्टम। अब सबसे बड़ी मुसीबत है दशमलव के बाद वाले का, तो चलिए उसको भी क्यों ना सॉल्व कर लेते हैं। बस लगे हाथ भाग के मत जाना क्लास से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर समझना है तो, नहीं तो बाद में चिल्लाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चिड़िया चुन गई छह खेत, सुना है ना वो कहावत, तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ अब क्या करना है, अब हमें 3 का दशमलव मतलब क्या निकलना है, स्थानीय मान। अब ध्यान देना यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 का स्थानीय मान क्या होगा मालूम है, इसको लिख लेना प्लेस वैल्यू ऑफ 0.3 है, 3 ही नहीं अकेले, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 का दसवां भाग, क्या हो जाएगा दसवां भाग, क्यों? क्योंकि एक अंक पर मतलब क्या है दशमलव, देखो एक फिर दशमलव है, दसवां भाग ना, मतलब समझना। तो 3 का दसवां भाग का मतलब जान रहे हो, 3 का दसवां भाग का मतलब होगा साथियों 3/10, इस तरह से 0.3 क्या हो गया आपका स्थानीय मान 3/10 या 0.3, ये उत्तर हो गया। अगर इसमें हम बोलेंगे 2 का स्थानीय मान तो क्या लिखोगे, 2 का, अब दसवां ना बोलोगे ना, चूँकि देखो 2 यहाँ है उसके पहले एक अंक और है ना, मतलब 1, 2 अंक पर दशमलव लग रहा है, तो यहाँ आप लिखोगे सौवां भाग, कौन सा भाग, सौवां भाग, इस तरह से ये 2/100 आएगा। दशमलव में चेंज कर लो 0.002 आएगा कि 02 आएगा, 02 आएगा, ठीक। अगर 6 का स्थानीय मान बोलेंगे, संख्या 6 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 6 का अब सौवां नहीं हजारवां भाग, बढ़ता जाएगा, क्या होगा ये ऐसे बढ़ता जाएगा, और इक्वल यहाँ पर इसका आंसर ला के लिख लो 6 का हजारवां भाग मतलब 6/1000। दशमलव में बदलोगे, आप जानते हो नीचे 3 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 0.006। या फिर इसका स्थानीय मान सिर्फ निकालना था तो आपके ये जो भिन्न वाले फ्रैक्शन रूप में है यही इसके आंसर हो गए, ठीक ना, बात समझ में आई। तो ये दशमलव अंक का स्थानीय मान आप लोग कर लेंगे, जिनको ना समझ में आया अभी ना वो वीडियो को रोक लें और पीछे करके फिर से देखें, बार बार देखें, हजार बार देखें, ये आप ही के लिए है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन बताना, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाओ तुरंत, और वीडियो को स्क्रीन पर टच करें और इसको रोक लें तुरंत, और रोकने के बाद में फिर आगे देखें। अगर इसे आप
लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो अपने कीपैड में के दबाएं, के फॉर क्लॉक नहीं, के फॉर काइट, ठीक। के प्रेस करें, वीडियो तुरंत रुक जाएगा और फिर नोट कर लें, ठीक ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता लैपटॉप या कंप्यूटर में तो हम आपको कीबोर्ड बता दे रहे हैं, कीपैड बता दे रहे हैं, ध्यान से देखना। कीपैड में आप लोग क्या करोगे, ज़रा गौर से देखना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इधर देखिए, ध्यान से देखना भाई, गिरने ना पाए ये सब, दिख तो रहा है ना। हाँ, इसको सीधा पकड़े ना हम। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे लैपटॉप या कंप्यूटर में, ध्यान से देखना। आपको ये बटन प्रेस करना है, कौन सा, विंडो वाला प्रेस करना है, ठीक ना। हाँ, विंडो प्रेस करना है और फिर ये देखो F12 के बगल में है PTSCRSYSRQ लिखा होगा, इसको दबाना और ये विंडो दोनों एक साथ दबाना। पहले विंडो फिर इसको, दोनों एक साथ दबाओगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में भी और फिर बाद में उसको लिख सकते हैं। मोबाइल में तो सब लोग जानते ही हो, है ना, कितना आसान तरीका। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और। सवाल नंबर आज का, वैसे इसमें का टॉपिक का तो दूसरा ही होगा, बताओ जल्दी से। संख्या 985.32 में 2 का स्थानीय मान होगा, कमेंट करना, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। जल्दी करिए, फटाफट आ जाइए कंपटीशन में, क्योंकि ज़िंदगी जीना है तो कंपटीशन करना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 2/100, दूसरा ऑप्शन हो गया 2/10, तीसरा है 2/1000 और चौथा है 0.002। देखो यहाँ पर ये जीरो जो हैं वो चार बार लगे हैं, जवाब दीजिए। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बताइए, संख्या, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान, जवाब दीजिए। संख्या 8 का स्थानीय मान, उसी सवाल में देखना, ऑप्शन यहाँ से देखना, पहला सी, दूसरा 0.8, तीसरा 8/100 और चौथा है 0। कमेंट करना, अभी एक एक क्वेश्चन क्लियर करूँगा, भागना मत क्लास में से। देखिए मैं बार बार बोलता काहे लिए हूँ, क्योंकि कुछ दिमाग के ढील स्टूडेंट होते हैं, बुरा मत मानना, अगर आप भी ढील हैं तो पढ़ने लगेंगे तो आप भी सही हो जाएंगे, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर भर से स्किप कर देते हैं, यार नहीं मज़ा आ रही, मज़ा नहीं आती है, क्योंकि जो दवा फ़ायदेमंद होती है ना वो कड़वी होती है। अक्सर करेला की सब्ज़ी खाया है, बहुत कड़वा लगता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर उसे आप दिमाग में ये रख के खाओगे कि बहुत फ़ायदेमंद होता है तो खा सकते हो, अगर ऐसे खाओगे कि सब्ज़ी है तो फिर नहीं खा पाओगे, ठीक ना। वैसे हम भी नहीं खा पाते, समझना। इधर एक क्वेश्चन और इसी में, संख्या 3 का स्थानीय मान, तो ये 3 सवाल बन गए और लिखा हमने एक ही था, है ना, कितना अच्छा जुगाड़ है ना। चलिए जवाब दीजिए। देखिए हमने सोचा था आज इसमें आपको ढेर सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन साथियों एक टॉपिक अगर क्लियर हो जाए, दशमलव वाला स्थानीय मान, तो बहुत बड़ी बात है, है ना। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, कम दिमाग नहीं है, ये मत सोचना कभी, खुद को किसी से गया गुजरा मत समझना। अगर कोई कितना भी बड़ा काम कर रहा है वो कर ले रहा है ना, तो आप भी उसको कर सकते हो, क्योंकि दो ही हाथ पैर तो उसके है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको बहुत आता है ना, क्या हमको बहुत आता है? हम भी बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हर एक टीचर जब तक किसी को पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं सीखता है, बिना सीखे कोई किसी को नहीं सिखाता है। बड़ा बड़ा चाहे जो हाँ कि हाँ हम नहीं कुछ भी नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, बस हमें सब रटा हुआ है, हमें सब याद है, तो ऐसा कोई होता नहीं है, हर कोई सीखता है, ठीक। तो आप भी सीखेंगे तो आपको भी आएगा, दो ही हाथ पैर हमारे भी है, दो ही आपके भी है, बस कोशिश करना है। देखिए इसमें कह रहा कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारे समझ से ये हो जाएगा 2 डिजिट पर दशमलव लगेगा, नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद वाली संख्या का आप निकालेंगे, तो ये देखो 2 है ना, 1 2, दो अंक पर दशमलव लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का 100वां भाग। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 का 100वां भाग। तो 100वां भाग मतलब 2/100, बात समझ में आई ना। तो ये हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया। अगला
इसी में कह रहा कि आठ का स्थानीय मान बताइए, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, दशमलव के पहले है, तो क्या करेंगे, दशमलव के से कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। अगर दशमलव की पहले वाली संख्या का निकालना है तो दशमलव की बाद वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप देखो कि आठ के बाद कितना अंक है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक है, ओनली वन डिजिट है। तो आप क्या करोगे, एट के बाद एक जीरो बढ़ा लोगे, सिंपल वाला आंसर हो जाएगा 80 और ऑप्शन नंबर ए सही है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर भगवान अल्लाह का नाम लेके ए लगा दिए होते तो दोनों सही हो जाता। एग्जाम में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन संभव नहीं हर समय। याद रखना, राम का नाम लेकर सब काम नहीं हो सकता है। अगर आप ईमानदारी मेहनत के साथ काम करेंगे ना तो प्रभु की कृपा अपने आप बनेगी, लेकिन अगर बैठ के राम राम करोगे ना तो वो जमाना चला गया, फिर अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कर्म पहले करिए और बाकी की भक्ति बाद में। संख्या तीन का स्थानीय मान क्या होगा, कुछ लोग गाली देने लगे होंगे, भाई ये तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। देखिए, हम किसी के धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम भी मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर क्लास का टाइम हो जाता है, कभी देर में सो के उठते हैं तो पहले क्लास पढ़ाते हैं, पूजा चाहे दोपहर में 2 बजे भी होती है, कई बार किए हैं, ठीक ना, 1 बजे 2 बजे भी पूजा होती दोपहर में, तब भी भगवान खुश रहते हैं। और आपको बता दें, पहले हम बहुत व्रत वगैरह भी करते थे, हर कोई करता होगा, आप लोग जानते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन अब हमने सब कुछ छोड़ दिया लगभग, सिर्फ और सिर्फ काम पर, अब उससे 1000 गुना खुश हैं। भगवान जी हमसे नाराज़ नहीं है, हमसे गुस्सा है नहीं है, हमारे साथ ही हैं। तो क्यों बता रहे हैं इसको सबको, इसको इसलिए बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, हम भी पहले उसी में थे, कि सोचते हैं कि अगर भगवान जी की 2 बार आरती करेंगे दिन भर में तो फिर हम ना पढ़ेंगे तब भी अच्छा नंबर मिल जाएगा, घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक ना। कर्म करेंगे तो भगवान को देना पड़ता है, अगर पूजा आरती करेंगे तो मांगना पड़ता है, तो मांगने से अच्छा है खुद से ले लीजिए, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो तीन का स्थानीय मान बताओ। देखिए, इतना सारा ज्ञान दे दिया ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत बकैती कर रहा है। तीन का स्थानीय मान इसमें बताना है, जरा देखिए कितना अंक पर दशमलव लगा है, यहाँ से अगर गिनिए तो एक अंक पर दशमलव है, ओनली वन डिजिट पर है ना, तो एक डिजिट पर केवल दशमलव है तो क्या होगा, 3 का दसवां भाग, अभी बताया था ना सब, तो मतलब 3/10। कितना आसान है ना, कर ले जाओगे ना, तो होमवर्क लिख लो जल्दी दिल थाम के फटाफट, और ये मत सोचना कि होमवर्क लिखवा रहे हैं तो हम भाग लें फटाफट चल दें, चलना नहीं, नोट करिए, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी बहुत सारे सवाल आपको लिखने हैं, ठीक ना। और जो भी क्लास हम आपको दिखाएं उसको पूरा देखा करिए, अगर पूरा देखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं तो मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा, उम्मीदों से ज़्यादा मिलेगा, जितना सोचोगे उसका 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। PBR स्टडी में जो स्टूडेंट्स आज तक ज्वाइन किए हैं, रिकॉर्ड है कि 1% संतुष्ट नहीं है, कुछ असंतुष्ट हैं जो अपनी खुद की खूबियों से असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनको जब इकट्ठा लिंक दी जाती है 60-70 क्लास का, तो वो यही नहीं जान पाते हैं कि इसमें नीचे लिखा होता है रीड मोर, कि पूरा देखें, तो वो चिल्लाते हैं कि मुझे तो लिंक मिला ही नहीं, मुझे तो पूरा मिला नहीं, केवल 2 ही 4 क्लास मिली है, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा नंबर, कुछ ऐसे भी हैं जिनको कमेंट करना नहीं आता है, ये उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो कि हमारी टीम उसको अभी सोल्यूशन करती है। हाँ, कुछ लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता, उन्होंने किया ही नहीं, तो उन्हें क्लास ऐसे भी नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम होती है। और कुछ ऐसे महात्मा जी भी हैं जो पेमेंट तो कर दिए, क्लास को ज्वाइन कर लिए, लेकिन मोबाइल नंबर अभी तक हमारा उन्होंने सेव नहीं किया अपने फ़ोन में। तो हम आपको बता दें, 10-20 हज़ार लोगों को हम क्लास व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, कोई 2-4 लोगों को तो करते नहीं हैं, उसके लिए हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट होता है उसमें, उसमें अगर आपने हमारा नंबर सेव नहीं किया है तो आपको लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ट्राई का नियम भी होता है, आप जानते होंगे इंडिया में बहुत नियम रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, तो नंबर अगर डिलीट कर दोगे तो कोई लिंक ना मिलेगी, फिर ये मत कहना मुझे नहीं मिल रही है, हम आपको इकट्ठा पार्सल नहीं करेंगे भर के, ठीक ना, तो मतलब समझेंगे तो परेशान नहीं रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर वही अपने मन का करेंगे तो फिर आपका खुदा ही मालिक है ना, मतलब राम ही मालिक है, दोनों को समझना, क्योंकि कोई पक्षपात ना करने लगे। तो हम क्या करने जा रहे थे, होमवर्क देने जा रहे थे। हाँ, होमवर्क लिखिए पहला, संख्या 2 तथा 9 का स्थानीय मान बताओ।
हम हट जाएंगे आगे से, टेंशन मत लेना, ज़्यादा मत सोचना मेरे बारे में, ठीक ना? हो गया, नोट करिए साथ साथ में, ये आपको मैं दर्शन देने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मार्कर में भी हमारे से आई जा रही फालतू में। मैं तीन का स्थानीय मान निकालना आप नहीं लिखेंगे, मार्कर की स्याही बहुत महंगी आती है, मतलब समझना, ठीक ना? ये हो गया, एक और लिखिए, अभी भागना मत, क्वेश्चन को नोट करिए। और मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक, कि कापी और पेपर, कापी पेपर मतलब कापी किताब लेकर के तो बैठा करिए पढ़ने, टाइम से होता है क्लास, रोज रूल वही होता है, सिस्टम वही होता है, नोट किया करिए, लिखा करिए, नोट्स बनाइए, आपके काम आएगा, ठीक ना? परीक्षा में जब जाने लगोगे तो मोबाइल में वीडियो खोजने से काम नहीं चलेगा, इसलिए नोट्स बना के रखिए, जिससे आप इसे देख सको कभी अलट पलट के, ठीक ना? और देखते भी रहिएगा, नोट्स की अगरबत्ती जलाने से उस पर कुछ नहीं होने वाला है, सरस्वती मैया कृपा नहीं करेंगी जब तक पढ़ोगे नहीं। कुछ लोग ऐसे नोट्स बना लेते हैं उसमें दीमक तक लग जाता, रख देते हैं, दोबारा नहीं देखते हैं। मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा एक चीज़ में हुआ था जिसमें मेरा मन नहीं लगता था, और हमारा घर कच्चा है, आपको जानते होंगे सब लोग, तो दीमक लग जाते थे, वो नई बात नहीं है। तो फिलहाल आप लोग ऐसा मत करिएगा, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए, अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इसमें नौ का स्थानीय मान बताना, क्वेश्चन नंबर 4, में 5 का स्थानीय मान बताना, 5 का तथा एक और लिख लो, 2 का स्थानीय मान। इन सवालों को नोट करिए, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, फटाफट करिए, बहुत तेजी के साथ नोट करिए। हो गया ना, इतना नोट कर लिए, 6 क्वेश्चन हो गया ना, तो इनको करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के वीडियो को लिखिए, तो हम आगे बताते हैं। जो बीच बीच में ज्ञान देते हैं ना, उसको ध्यान से सुनना, ये मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी है, और हमने देखा है ये आप लोगों के काम का भी होता है। बाकी कुछ लोग इसके विरोध में गाली भी देते हैं, वो लोग बहुत महान हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन। कुछ लोग सोच रहे होंगे 6 सवाल दिए हैं, भाई शुभ नहीं होता 6, है ना? तो शुभ शुभ, चलिए 7 कर देते हैं, एक और लिख लीजिए। अभी थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले की जो क्लास थी, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, बताना, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। 3/7, 5/3, 1/2 का LCM बताना, ठीक ना? ये मत सोचना कि हमारे ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, ये थर्ड सेमेस्टर में है, 2 साल बाद नहीं तो अभी आप अगले साल पढ़ोगे, 6 महीने बाद, है ना? मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है हमारे समझ से ना, तो इसको सीख लेना। और क्या बताने वाले हैं, ये क्लास आपकी जो है यहीं तक, ये हम क्या लिख रहे हैं मालूम है, समझ गए होंगे आप लोग, व्हाट्सएप में जो चैटिंग करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, BT भी लिख देते हैं तो उसका मतलब बात समझ जाते हैं, है ना? BC और बहुत से यारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि मुझे भी कुछ मालूम है। चलिए छोड़िए, इसको लिखिए, ये व्हाट्सएप का नंबर है, जिनको पूरा क्लास करना है, कंप्लीट करना है, डेली देखना है, घर बैठ के पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको हम सारी प्रक्रिया यहीं पर समझा देंगे। और जो आपको एक बड़ी बात बता दें, कई बातें बतानी, अभी व्हाट्सएप पे आपका मैसेज शेयर करते हैं अनुराग सर, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, और आप लोग उनके नंबर पर इतना फ़ोन कॉल करके डंडा कर देते हैं कि मोबाइल बंद कर लेते हैं। आप लोग कृपा करके माफ़ करिएगा, उनके पास फ़ोन ना करिएगा, ना मैसेज करिएगा, नहीं तो ये काम बंद कर देंगे, बोल रहे थे, ठीक ना? और जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें हमें शेयर करने का समय नहीं होता है, और हमारा व्हाट्सएप जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग बोलता है, मोबाइल भी अफसोस करता होगा कि किस हाथ में लग गए, है ना? तो बात समझिएगा, आप इस पर मैसेज करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, वेट करिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन है, ब्लॉक करना। तो हम ये घमंड और गुरूर के साथ नहीं बोल रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि मतलब समझिएगा। और व्हाट्सएप पर कोई भी वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल ना करें, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कोई कैसी स्थिति में है, कहाँ है, कैसे है। आप वीडियो कॉल कर देते रात में 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, कौन उठाएगा बताइए? तो ये सब बातें हैं आपको समझने लायक। जिनको क्लास करना है वो लोग कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है उनके पास बहुत सारा सिस्टम है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, और हम आपको ढेर सारे उपाय भी बता देंगे, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर करिए,
हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ने के लिए आपको 549 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये पेमेंट 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक कर देंगे तब, अगर आप ये पेमेंट 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक करेंगे तो आपको 599 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, 599 का पेमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, एक नई बैच शुरू हो रही 7 तारीख से, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ पूरा फंडा, ठीक ना। अगर आप ये पेमेंट 3 या 4 में करेंगे, चूँकि 4 है लास्ट रहेगा, क्योंकि 7 से क्लास होगी, 4 तक ज्वाइनिंग लास्ट रहेगा, अगर आप इसको करेंगे 3-4 में तो आपको 650 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना दिन आप देर करते जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम आपको लोगों के लिए। साथियों, ये हम ये चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, कम से कम पैसे में कर लें, और ये टैक्सी के किराए से भी कम होगा अगर आप कहीं ऑफलाइन करेंगे। ये लेकर के हम आराम से मौज मस्ती नहीं करेंगे, हम तो आपके क्लास में ही लगे रहते हैं। जो आपके असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं, आपको व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, आपकी PDF फाइल बनाते हैं, आपके फ़ोन कॉल का जवाब देते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, उसमें हम भी करते हैं कभी कभी, तो हमें भी चाहिए, है ना। और दूसरी बात, आपको जो सब कुछ छोड़ करके इसी में लगा हुआ है, इस समय ये क्लास रात्रि के 1:00 अभी हो रहे हैं, 35 मिनट हो रहा है, बिल्कुल राइट टाइम रिकॉर्ड हो रही है, तो 24 घंटे अगर इसी में लगे हुए हैं तो भाई कुछ तो चाहिए ना, मुँह पेट तो सबके होता है। बाकी आगे ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये नियम का खिलाफ है, क्लास है, है ना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। पेमेंट के लिए फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर रसीद भेज देंगे, बिना किसी बात के, बिना किसी झिझक हिचक के आपको क्लास मिलना अपने आप शुरू हो जाएगी, ठीक ना। अगर पकाना है, ज़्यादा भुजाना है, तो नंबर पे फ़ोन करके भुजा लीजिएगा खूब सारा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, कब तक पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, है ना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जो लोग बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं प्रयोग करते, जिनका कोई भी बैंक खाता नहीं है, वो साइबर कैफ़े पर जा करके, अब कुछ लोग कहते हैं यार साइबर कैफ़े का होता है, जहाँ कंप्यूटर की दुकान होती, रखे होते 2-4 ना, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, उसी को साइबर कैफ़े बोलते हैं। वहाँ जा करके आप खाता संख्या देंगे या इस फ़ोन पे गूगल पे का नंबर भी दे देंगे, तब भी वो पेमेंट करके आपको रसीद दे देंगे, उसको आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। थोड़ा सा वेट करना है 2 घंटे का मिनिमम, और मैक्सिमम 2 घंटे का आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। चलते हैं फिर, शुक्रिया, जय हिंद इन्हीं बातों के साथ। अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, सुबह 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ जरूर देखना, भूलना मत। उसके पहले 7 बजे से हो सकता है कुछ आपकी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 8 बजे वाला लाइव जरूर देखना, ठीक ना। थैंक यू।